स्वागत है दोस्तों। और आज का टॉपिक में दोस्तों बात करेंगे कि एक अच्छा घर बनाने के लिए रेसिडेंशियल बिल्डिंग जब आप अपने लिए बना रहे हैं तो कौन सा कंक्रीट मिक्स आपको रोजना है अपने कंस्ट्रक्शन कामों के लिए। तो कंक्रीट मिक्स आमतौर पर जो नॉर्मली यूज़ किया जाता है वो अपना M20 है, और हो सके आप भी M20 ही यूज करते होंगे। तो मगर क्या दूसरा बात ये भी है कि M25 और M30 का भी यूज किया जाता है, क्योंकि कई घरों में जो हाउस ओनर है दोस्तों वो अपने लिए जो घर बनाना चाहते हैं वो अपना स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के कारण से जो कंक्रीट मिक्स M20 से इंस्टॉल करके आपको M25 या फिर M30 का रोज देते हैं। तो इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों क्या सही है, M20 ही रोजना है या फिर M25 भी रोज सकते हैं या फिर M30 रोजना है, तो जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले दोस्तों आपको ये समझना होगा कि जो आप घर बनाने जा रहे हैं, जो भी आप कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, तो आप ये देख लीजिए कि आपका जो कंस्ट्रक्शन वो ऑर्डिनरी है कि नहीं है। अगर ऑर्डिनरी तरीके से आप घर जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तब जाकर आप M20 ही रोजिए। अगर आपका जो है रेसिडेंशियल बिल्डिंग कुछ ज़्यादा ही माले का, जैसे कि 3 माले का है, 4 माले का, और बिल्डिंग जो है आपको अगर कमर्शियल बिल्डिंग की तरह आपको यूज़ में लाना है, तभी जाकर आपको जो है स्ट्रेंथ के मामले में और ड्यूरेबिलिटी के मामले में कंक्रीट मिक्स जो है आप M25 या फिर M30 आप रोज सकते हैं। सब बात यह भी है दोस्तों, भले स्ट्रेंथ आपको मिल जाता है M25 M30 में, पर आपको कॉस्ट को लेकर सोचना है कि कॉस्ट जो है M30 का बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा। किसके मामले में? तो M20 के मामले में। देखिए दोस्तों, आपको ये चीज़ समझना है कि किसी भी तरीके का जो घर का डिज़ाइन होता है तो डिज़ाइन करते समय में वो अपना जो बिल्डिंग है कितना लोड, हाई लोड वो अपना सस्टेन कर सकता है, तो उसी तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। और M20 जो है सफिशेंट है, उस जितना भी लोड आप अगर ऑर्डिनरी रेसिडेंशियल बिल्डिंग घर बना रहे हैं अपने लिए, तो M20 सस्टेन कर सकता है जितना भी आपका लोड पड़ेगा उसमें। अगर M30 आप रोज़ देते हैं उसी जगह पर, तो आपको क्या क्या चीज़ यहाँ पर झेलना होगा कि एक तो आपका एक्सपेंसिव ज़्यादा हो गया, ठीक है, हैवियर होता है आपका जो मिक्स रहता है, और साथ में आपका जो टू रिजिड टू हार्डनेस आपको जरूरी नहीं है आप अपने लिए जब रेसिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हैं। दोस्तों अंत में यही बोलना चाहते हैं कि आपको निफिकिर जो है M20 रोजना है, क्योंकि एक घर का जो कंडीशन होता है, ये जो अपना रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है अपना घर, जो अपना स्ट्रेंथ के मामले में, ड्यूरेबिलिटी के मामले में, और भी अपना फंक्शनल रिक्वायरमेंट के मामले में, जितना भी अपना बेनिफिशियल एक अच्छा खासा घर लेकर चलता है फंक्शनल, वो अपना कंक्रीट मिक्स अगर बात करें तो M20 सफिशेंट है। अगर M25 M30 अगर आप रोजते हैं उस जगह पर, तो आपका कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है और आप नहीं चाहते हैं किसी भी तरीके से जो अपना कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन हाई हो जाए, इसीलिए आपको रोजना है M20, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, गुड बाय।